भूषण ज्वेलर्स। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल पांचवें दिन में प्रवेश कर गई। पांचवें दिन की हड़ताल में जिला परिषद सदस्य भराड़ू वार्ड कुशाल भारद्वाज ने शिरकत की। महिला कर्मचारी भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हड़ताल पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इनकी मांगों पर जल्द निर्णय ले, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर जाने से पंचायतों के सारे काम ठप पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया, जिस कारण आज ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी पूर्व की जयराम सरकार के समय में हड़ताल पर बैठे थे, उस वक्त भी जयराम सरकार ने कर्मचारियों पर ठगबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी कि हम कर्मचारियों को छठे वेतन का लाभ देंगे और जिला परिषद कैडर को पंचायती राज विभाग में विलय करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से कहा था कि ये एक छोटी सी विसंगति है, सत्ता में आने के बाद हम इसको दूर करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम आज याद दिलाना चाहते हैं कि जो वादा आपने कर्मचारियों के साथ किया था, आज उसे पूरा करें। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, और लगभग 4700 के आसपास कर्मचारी हैं जिस वक्त हड़ताल में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये हड़ताल कर्मचारियों ने मजबूरी में की है। ऐसे वक्त में जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इनकी मांगों को लगभग अनसुना कर दिया, और जो सरकार का अपना वायदा था सरकार सत्ता में आने से पहले, उस वायदे से सरकार पीछे हट गई, तब जो है कई नोटिस देने के बाद, कई तरह का निवेदन करने के बाद भी जब सरकार ने मांगों के बारे में कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। और आज मैं भी जिला परिषद का मेंबर होने के नाते जो द्रंग ब्लॉक से संबंधित सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर जो है पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके समर्थन में हम आए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि आप याद कीजिए पिछली बार जब जयराम जी की सरकार थी, और ये सच्चाई है कि जयराम जी की सरकार ने कर्मचारियों के साथ ठगबाजी की है। 15 अगस्त को उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि हम छठे वेतन आयोग का लाभ देंगे और आपके जो कैडर है इसको जो है जिला इसमें पंचायती राज विभाग या दूसरे उसमें विभाग में जो है ग्रामीण विकास विभाग में विलय करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। और उसी प्रकार जो है जो आज मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर कर्मचारियों के बीच में जाकर के कहा था ये छोटी सी विसंगति है, इसको दूर किया जाएगा, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है निश्चित तौर पर जो है ये जो जिला परिषद कैडर का जो विलय है वो विभागों में कर देंगे। तो हम वही याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपका अपना वायदा, कम से कम आप उस वायदे को निभाएं, नहीं तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, सरकार की सेहत के ऊपर फर्क पड़ेगा। और हमें भी कहना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सारे कामकाज ठप पड़ रहे हैं, क्योंकि जो ये कर्मचारी हैं जिस तरीके का काम ये करते हैं कोई और नहीं कर सकता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मुसीबत आई है इस प्रदेश को, इस देश को, कोरोना का काल देख लो, अभी बरसात में आपदा का काल देख लो, और पिछली बरसात में भी जो आपदा आई थी एक तरह से, उसमें अगर सबसे ज्यादा सक्रिय होकर के किसने काम किया है तो यही जो है कर्मचारी है जिन्होंने काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।